बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है, कल भी हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। टॉपिक आपको पता ही है कि अभी हालात जो है पूरे वर्ल्ड के क्या हालात हैं, पूरी दुनिया के क्या हालात हैं। ये मैं जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद वो सिर्फ इतना ही है कि मैं बताता चलूँ, जितने भी हमारे और साइड जो हैं, स्टेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग हैं या और साइड डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मोदबाना उनसे गुजारिश की जाती है। मैं उनसे अपनी तरफ से पुरजोर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेहरबानी करके वहाँ से मूव ना करें, क्योंकि रात को मेरे को बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेज मेरे पास, लिस्ट मेरे पास आई है। उन्होंने कहा कि सर, हम बहुत परेशान हैं। भाई परेशान, अगर आप वहाँ से मूव करते हो तो फिर आपके घर वालों को भी परेशानी है, तो सबको परेशानी है। आपकी वजह से और सब परेशान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाओगे। तो मेहरबानी करके अगर आपको वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी लेबरर्स हैं या को वर्कर्स हैं या जो भी है, आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, जो जहाँ भी है, इस मैसेज के, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमने ये मैसेज दिया कि वो हमारे तक कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप के किसी तरह वो हमारे तक मैसेज पहुँचाएं। उनको किसी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो डेफिनेटली बात है, गवर्नमेंट भी अपने तरीके से लगी हुई है, सोशल वर्कर्स भी लगे हुए हैं, हमारी टीम जो यूथ की टीमें हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऑल ओवर लगे हुए हैं। तो हर बंदा अपने तरीके से कोशिश कर रहा है कि हम उनको मदद पहुँचाएँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप मेहरबानी करके मूव ना करें। अगर आपको खाने में कोई दिक्कत है, रहने में कोई प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये क्लियर है, हमारी डी साहब से भी बात हुई कि नोडल अफसर जो है हर जगह अपॉइंट किए गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प लाइन प्रोवाइड कर दी गई हैं, तो डेफिनेटली बात है इस तरह की कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये बता दें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप हमें मैसेज कर सकते हैं। स्पेशली मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से कि उनके नियर अबाउट नेबर में कोई बंदा फंसा है तो डेफिनेटली आप उनकी मदद किए करें। और जितने भी यूथ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एनजीओज के हैं, सोशल हैं, पॉलिटिकली हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप टच में रहें लोगों के। अब लोगों को अपने पहले अपनी सेफ्टी, फिर लोगों को सेफ होके लोगों को मदद पहुँचाओ, लोगों को मैसेज पहुँचाओ, ताकि लोग इस कंडीशन में, लोगों को हमारी ज़रूरत है, हमें लोगों की ज़रूरत है, तो हम एक दूसरे से मिल के चलें, ताकि ये 10-15-20 दिन जो हमारे जो क्रिटिकल हैं ये अच्छे से निकल जाएं। ये वायरस जो है हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में 14 से 15 दिन रहता है, तो इस चेन को ब्रेक करने के लिए जो 21 जून का जो है लॉकडाउन रखा गया है, तो मेहरबानी करके इसको पूर्ण फॉलो करें। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, कि लोगों से पोलाइटली पेश आएँ, और लोगों से ये गुजारिश है कि वो पुलिस के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें। थैंक यू।